धम्मपद गाथा कथा नंबर 124। ये कुक्कुट मित्र की कथा है। कुक्कुट मित्र एक लुद्दक होता है, शिकारी होता है, जैतवन की बात है। उसकी शादी एक महिला से होती है। महिला पहले से ही भगवान बुद्ध के देशना उपदेश को सुनती है और सुन करके सोतापन हो चुकी होती है। जब उसका विवाह उसके शिकारी के साथ, लुद्दक के साथ होता है, तो लुद्दक की और शिकारी की जो आजीविका है वो सम्यक नहीं है, नियम के अनुसार नहीं है। मगर वो उसकी पत्नी है तो वो उसको धनुष और बाण रोज तैयार करके देती है। वो रोज जंगल में जाता है, शिकार करके लाता है, उसको मांस खाता है, मांस बेचता है, खाल बेचता है। तो वो जो शिकारी है, वो जो लुद्दक है, वो शिकार करने के लिए जब जाता है तो उसके परिवार काफी बढ़ता है, बच्चे उसके कई हो जाते हैं। एक बार शिकार करने जाता है तो शिकार करते करते वो देखता है कि भगवान बुद्ध बैठे हुए ध्यान विपस्सना तपस्या कर रहे हैं। वो शिकार छोड़कर वहां जाता है, वहां बैठता है, उनको देखता है कि बड़े चेहरे पे शांति है, बड़े ही सुकून से बैठे हैं। उनसे बातचीत होती है, बातचीत में वो कहते हैं कि तुम जो ये शिकार करते हो, ये शिकार आजीविका के लिए जो करते हो, क्या तुम्हारा परिवार इसमें भागी है? क्योंकि ये काम सम्यक आजीविक नहीं है, तुम ये करते हो, इसका सारा पाप और पुण्य तुम्हें ही मिलेगा। तो उसने कहा कि मेरी पत्नी मुझे धनुष बाण देती है और मेरे बच्चे सब तैयार करते हैं और वो खाना भी खाते हैं, तो वो उसमें बिल्कुल बराबर के भागीदार हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसा नहीं है, आप अपने घर जाइए और पूछ के आइए कि जो आपने जीव जंतु मारे हैं, प्राणी मारे हैं, जो हिंसा की है, जो प्राणातिपात किया है आपने, क्या उसमें परिवार के सब लोग शामिल हैं? वो दौड़ा दौड़ा अपने घर जाता है। उसकी पत्नी को जब पता चलता है कि भगवान ने पूछा है, भगवान वहां ध्यान में बैठे हुए हैं, तो वो भी साथ आती है, पूरा परिवार आता है। पत्नी कहती है कि हम आपके किसी भी पाप में भागीदार नहीं है। ये सुन के लुद्दक को, जो कुक्कुट मित्र होता है, उसको बड़ा झटका लगता है। उसने तो सोचा था कि वो सारा काम पत्नी के लिए और बच्चों के लिए करता है और उनके लिए अपनी जान की बाजी लगाता है, तो वो उनके हर समय साथ होंगे, हर कार्य में साथ होंगे। मगर यहाँ तो उसके पाप कर्म में वो अकेला ही है। उसे बड़ा अजीब सा लगता है, उसकी आंखें खुलती हैं, उसे ध्यान होता है, उसे ज्ञान होता है और वो साधना में और विपस्सना में लीन हो जाता है और सम्यक आजीविका कमाता है। इस तरह से वो जो लुद्दक वाला काम है उसको छोड़ के फिर वो सम्यक आजीविका में आ जाता है। तब भगवान बुद्ध से चर्चा में भिक्खुओं ने कुछ प्रश्न किए। उन्होंने कहा कि जो ये जो कुक्कुट मित्र की जो पत्नी है, सोतापन है, ये जब धनुष और बाण तैयार करके देती है और मारने में सहायक होती है प्राणियों के, तो क्या वो सोतापन रही? क्या उस पर असर नहीं हुआ? क्या वो पाप की भागीदारी नहीं हुई? आपने मना किया तो क्यों नहीं हुई? क्या कारण है? जो परिवार मांस खा रहा है और उसमें भागीदारी है तो क्यों नहीं हुआ? तो तब भगवान बुद्ध ये गाथा कहते हैं। पाणी मही चे वणो ने अस हरे पाणीना विसंग ने अबणंग विसमन वेती नथी पापंग ए कुब्बतो। पाणी मही चे वणो ने असंग ने अस हरे पाणीना विसंग। पाणी मी चे वणों का मतलब है यदि, पाणी माने हाथ में, वणों माने होता है जख्म या कोई घाव, नेस माने नहीं है, हरे माने लेता है, पाणीना माने हाथ को विष से, यानी विष को हाथ में लेता है। कहने का उनका मतलब है कि अगर आपके हाथ में या किसी के हाथ में कोई जख्म नहीं है, कोई वुण नहीं है, कोई घाव नहीं है, और फिर आप अपने हाथ में विष को ले लेते हैं, जहर को पकड़ लेते हैं, तो जहर से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर घाव होगा, कटा हुआ हाथ होगा, तब ही विष उसमें एंटर करेगा, क्योंकि खून में मिक्स हो जाएगा, अदरवाइज स्किन से विष अंदर नहीं जाता, तो उसे कोई परेशानी नहीं है। ने अब बड़ंग विष मनवेती नत्थी पाप ए कुब्बतो।
ने अवरंग विस्मनवेति का मतलब है कि विस्मनवेति विस चढ़ता है, ए यानी ने अवरंग, ने अवरंग का मतलब है जिसके हाथ में ने हो वण हो, यानी कि जिसके हाथ में घाव ना हो उसको विष नहीं चढ़ता। जैसे नत्ति पापं एकुबतो, पाप करने वाले पर, जो पाप करता है अगर वो उस पाप में भागीदार नहीं है तो पाप नहीं चढ़ता है। यानी कि अगर आपके मन में पाप करने का कोई भी काम नहीं है और कोई और व्यक्ति पाप करता है और आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं तब आपको पाप नहीं चढ़ेगा। यानी कि उसकी जो पत्नी है वो मन से पाप नहीं कर रही है, वो नहीं चाहती, मगर लुद्दक ये काम करता है, वो उसकी पत्नी है, पत्नी होने के नाते वो उसको खाना तैयार करके देती है, उसका सामान तैयार करके देती है, मगर पाप में भागीदार नहीं है क्योंकि मन नहीं है उसका, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो उसने कहा नहीं है उसको कि तुम शिकार करो, कभी उसने उसको प्रेज भी नहीं किया, कभी उसकी प्रशंसा भी नहीं कही कि तुम इतना बढ़िया शिकार करते हो और शिकार करो, कभी उसने डिमांड भी नहीं की कि तुम शिकार करके जानवर मार के लेके आओ तब हम खाना खाएंगे। वो बिल्कुल जो सोतापन होते हैं उसी की तरह रहती है। तो कोई आदमी अगर विष को हाथ से उठाए और उसके हाथ में अगर जख्म ना हो तो विष नहीं चढ़ेगा। ऐसे ही अगर मन के अंदर पाप नहीं है तो पाप नहीं लगेगा, बेशक वो किसी को कुछ अपनी ड्यूटी निभाते समय सामना वाला कोई व्यक्ति पाप करता है। इसी प्रकार जो बच्चे हैं, चूंकि बाप का फर्ज है खाना लेके आना और वो खाना कहाँ से लाता है ये बाप जाने, अगर वो बच्चे खाना खाते हैं तो बच्चों को उसमें पाप की भागीदारी नहीं है। ठीक इसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर रिश्वत लेता है, कमीशन लेता है, देश को बेचता है, फैक्ट्री में मजदूरों का खून पीता है, टैक्स की चोरी करता है, या विदेश में जाके स्मगलिंग करता है, या झूठ बोलता है, या कम तोलता है, या हेरा फेरी करता है, या पुराना माल बेचता है नए में, या घटिया माल बेचता है, या मिलावट का बेचता है, तो उसमें उसका परिवार भागीदार नहीं है। वो व्यक्ति जो कर रहा है सारा पाप कर्म उसे ही मिलेगा, और जब पाप का घड़ा फूटेगा तो उसी को पनिशमेंट मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी, जब बेशक उसमें सब लोगों ने खाना खाया हो, बशर्ते वो उस पाप में मन से भागीदारी ना हो, उसको मना करें कि हम तेरे पाप में भागीदार नहीं है। मगर अगर पत्नी ये कहे कि और पैसा लाओ कमा के, रिश्वत और लाओ, बच्चे भी उस काम में लग जाएं जहाँ हेरा फेरी का काम है, कम तोलने का है, चोरी का है, इनकम टैक्स चोरी का है, बिजली चोरी का है, या सेल टैक्स चोरी का है, या रोड टैक्स चोरी का है, या देश की चोरी का है, या कमीशनबाजी का है, या झूठ बोलने का है, या देश बेचने का है, अगर उसमें सारे बच्चे भी लग जाएं, परिवार भी लग जाएं, फिर तो पाप का उनको फल मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नियम है, भगवान ने बताया। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Gacchami. Dutiyampi dhammam.
Kamesu mitcha chara virmani